Lucky. Yeah, he's lucky now. Lucky. जेके, क्राइम करके ना प्रूफ छोड़ता हूँ ना कोई क्लू। क्यों रे इतनी आसानी से टोनी के झांसे में फंस गया? तेरी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। पहले जरा इस हैंडसम की फोटो ले लूँ। क्यों रे टोनी तेरी इतनी औकात कि तू जेके से उलझेगा? इवन डेथ गेट्स स्केर्ड बाय द नेम ऑफ जेके। ये लातों का भूत बातों से नहीं मानेगा। दिस इज बेटर। हाउ इज इट? मरने के बाद ज्यादा हैंडसम लग रहा है। आई लव दिस एक्सप्रेशन। याद रखना, जो भी गद्दारी करेगा उसकी ऐसे ही फोटो खींचूंगा। क्यों बे, आंखें क्यों फट गई तेरी? धोखा तो उसने दिया ना। एंथनी को फोन कर, मेरे गेस्ट हाउस पे आने को बोल। हाय जेके। हे एंथनी, वेलकम वेलकम टू माय लव, टू माय हार्ट, टू माय फ्रेंड। थैंक यू जेके, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। कम ऑन, लो कॉफी पियो। नेक्स्ट डील क्या है जेके? ये पुराने नोट तो रद्दी बन चुके हैं। इसे बैंक में बदलेंगे तो 1000 मिलेंगे। अब उसकी वैल्यू क्या है? 1000 ढूंढने से 500 का थोड़ी हो जाएगा। एग्जैक्टली। भगवान मंदिर में हो या फिर बाहर, आस्था इंपॉर्टेंट है। और नोट नया हो या फिर पुराना, पैसा पैसा होता है और उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। बात में लॉजिक है। मेरे करोड़ों के नोट बेकार हो गए हैं। बैंक में जमा क्यों नहीं करवाए? किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, ड्रग्स की डीलिंग, सालों की मेहनत करके काले धंधों से काली कमाई की। इस पैसे को ना बैंक में जमा कर सकता हूँ, ना ही टैक्स भर सकता हूँ। देश का सबसे अमीर डॉन था मैं। ये बात तो गवर्नमेंट के एक फैसले ने सब बदल दिया। एक रात में ये नोट से कागज बन गया। तो अपना प्लान क्या है? RBI के ऑर्डर पर सारे बैंक्स पुराने नोट के बदले नए नोट बांट रहे हैं, लेकिन सिर्फ व्हाइट मनी को। और हमने तो पूरी जिंदगी सिर्फ ब्लैक मनी कमाया है। कल RBI करोड़ों नए नोट बैंक्स में डिलीवर करने वाली है। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, पब्लिक में हाहाकार मचा हुआ है, ATMs और बैंक्स खाली हैं। ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट पर जबरदस्त प्रेशर बना रखा है। RBI को नए नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। इससे हमें क्या फायदा? कल 25 करोड़ रुपए बाय रोड आने वाले हैं। क्या हुआ, जाके देखो। एंथनी का फोन है। जेके, प्लान सक्सेसफुल हुआ, हमें पैसे मिल गए। एंथनी मिशन पर जाए और सक्सेसफुल ना हो, इम्पॉसिबल। सच में क्या बात कर रहे हैं? दिल से कहा। आप भी ना सर। तो बताइए आप क्या करना है? वहां से निकलो, हाईवे अवॉइड करना, सीधे गेस्ट हाउस पहुंचो। वहां से निकलो, हाईवे अवॉइड करना, सीधे गेस्ट हाउस पहुंचो। अपना पर्सनल ड्राइवर समझाए क्या? आप उन एंथनी है, दिमाग तेरा है, पर प्लान को अंजाम दिया मैंने। बहुत कर ली तेरी गुलामी, आज से अपुन आजाद है, अपना बॉस अपुन खुद है। एंथनी, बहुत गलत कर रहा है तू।
इस धंधे में सही का क्या काम है? गुड बाय फॉर एवर। उसने जेके के ईगो को हर्ट किया। उसकी डेड बॉडी की फोटो चाहिए मुझे। हेलो, गुड मॉर्निंग, म्याओ म्याओ, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। पर मेरे लिए नो हैप्पीनेस। बात भेजे में नहीं घुसी। ठीक है, चलो समझाता हूं। अरे लकी, जितनी तेजी से आजकल रिश्ते बदलते हैं, उतनी फास्ट तो आने वाली बुलेट ट्रेन भी नहीं होगी। वैसे तो लाइफ शुरू से ही टेस्टलेस और होपलेस थी। ये मरने का शुभ आइडिया मेरे कमबख्त दिमाग को इससे पहले क्यों नहीं आया? शायद ये भी मेरा बैड लक ही था। इस वक्त मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला रहा हूं। अब तो ये साइनाइड भी बहुत महंगा हो गया है। लेकिन लकी भी बहुत स्मार्ट है, दो पैकेट सस्ती वाली गोलियां लेके आ गया। मर जाऊंगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा बापू खुश हो जाएंगे। लास्ट गोली। सॉरी मम्मी। गुड बाय। कौन है तू? पब्लिक पकड़ ले तो चोर हूँ, पुलिस पकड़ ले तो मैं कैदी हूँ, कोर्ट सजा दे तो मुजरिम हूँ। इन शॉर्ट आई एम अ थीफ। यहाँ भी चोरी करने के वास्ते आया था मैं। और इतनी जल्दी पकड़े गए? खिड़की से कूदते समय गलती से ग्लास गिर गया ना, इसलिए। अच्छा, हाँ। यानी नौ सीखी है हो? नहीं नहीं, जन्म से ही चोर हूँ, लेकिन रात को थोड़ा कम दिखता है। पर चोरों के वर्किंग आवर्स हमेशा रात को ही होते हैं, तुम कोई और प्रोफेशन क्यों नहीं चुन लेते? और कोई काम आता ही नहीं है। चोरी करने के लिए तुझे लकी का ही रूम मिला। नाम क्या है तेरा? मुन्ना मस्का सर। मुन्ना मस्का? ये कैसा नाम है? मस्का पाँव चुराते हुए मैं पहली बार पकड़ा गया था ना, उसी दिन से लोग मुझे मस्का नाम से जानते हैं। ओ, इतने घरों को छोड़कर यही चोरी करने आना था? वहाँ देख, उस तरफ फटे पुराने कपड़े जिसे बर्तन वाला भी नहीं ले जाता। मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? चल कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। आजा, शर्मा मत, ये देख 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 लिया? एक एप्पल तक नहीं है। फ्रिज में एप्पल नहीं है, लेकिन जेब में एप्पल फोन तो होगा ना। वाह, क्या क्रिएटिव चोर है। आप शक्ल से स्मार्ट दिखते हैं सर, तो स्मार्टफोन भी रखते होंगे ना। अभी दिखाता हूँ, स्मार्ट आदमी का बुद्धू फोन 1100। ये तेरे बर्थडे पर लॉन्च हुआ होगा, दुनिया में एक ही मॉडल बचा होगा। और जानता है इसमें बैलेंस कितना है? -12। मोबाइल कंपनी इसी इंतजार में है कि कब मैं बैलेंस भरवाऊं और वो 12 रुपए काट ले। मतलब आपके 12 बच चुके हैं। क्यों, सेंटी हो गया? चोर को पकड़े जाने से ज्यादा एक ही बात का डर होता है साहब, कहीं चोरी करने जाए और कुछ भी हाथ ना लगे। अबे जी, अच्छा खासा सुसाइड करने जा रहा था, तूने उसमें भी आके डिस्टर्ब कर दिया। सुसाइड करने वाले थे और क्या? अब भाई 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 भाई, क्या बात है, लाइफ सेट हो गई। मुझे आत्मकथा और आत्महत्या में बहुत ही इंटरेस्ट है। एक काम करो ना, मुझे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाओ ना, अगर नहीं सुनाई तो मैं सुसाइड कर लूंगा। टीवी वालों से ज्यादा तुझे सुसाइड में इंटरेस्ट है? मरते आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं। चल ठीक है, तेरे लिए मरता आदमी तेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। अब बैठ, कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक सपना है जो कभी लाइफ में पूरा नहीं हो सकता। आपके टूटे सपने को सुनने के लिए तड़प रहा हूँ, बोलिए ना। मेरा सपना है कि एक दिन पापा मुझे अपने नाम से बुलाए। आज तक उन्होंने कभी मुझे अपने नाम से नहीं पुकारा है। क्या बोला? एक बाप को अपने बेटे का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? लगता है स्टोरी कड़क है, सुनाओ ना। मैं चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ, लेकिन उस दिन अमावस्या की काली रात थी। अरे मेरा बेटा कितना सुंदर है ना। जीजा जी, हटो हटो हटो, हवा अंदो। जीजा जी, पता है 9 सालों से जो केस चल रहा था ना, आज आप वो जीत गए। सच में? अब आइस फैक्ट्री के साथ साथ आप राइस मिल के भी मालिक बन गए। बहुत अच्छी खबर है। आप बहुत लकी हैं। लकी तुम्हारे जीजा नहीं, मेरा बेटा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजमान, अब इस अंगूठी को उठाइए और अपने बेटे के नाम को इस चावल पर लिख दीजिए। ये हमारे लिए बहुत लकी है, इसलिए इसका नाम लकी रखते हैं। शुभम भवतु। आप 3 बार इसके कान में लकी कहिए। जीजा जी, आप यहाँ हैं? आपकी आइस फैक्ट्री और राइस मिल दोनों शॉर्ट सर्किट की वजह से जल के राख हो गई है।
जीजा जी आप यहाँ पर हैं? जीजा जी, आपके आइस फैक्ट्री और राइस मिल के इंश्योरेंस का पूरा 25 लाख रुपए का चेक मिला है। सच में? अब तो आप मानेंगे ना कि मेरा बेटा लकी है। सही कहा दीदी, लकी एकदम। तुम एक काम करो नीलकंठ, उन पैसों का मेरे बेटे के नाम फिक्स डिपॉजिट कर दो। उस दिन पापा मुझे पहली बार स्कूल लेकर गए। सोमवार, मंगलवार। नमस्ते मास्टर जी। नाम क्या है? भगत वर्मा। आपका नहीं, बच्चे का। अच्छा, बच्चे का। मेरे बेटे का नाम है जीजा जी। जीजा जी, जीजा जी, पता है जिस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया था ना, वो स्कैम में फंस गया है। क्या हुआ? अरे सुनिए तो, बच्चे का नाम क्या है? टीचर मेरा नाम पूछते रह गए, पर पापा रुके ही नहीं। लगातार होने वाले नुकसान से तंग आकर सुबान से मेरा नाम लेना ही बंद कर दिया। ये बताओ, तुम लकी हो या अनलकी? इसका जवाब तो आज तक गूगल भी नहीं दे पाया है। मेरी मम्मी मुझे गुड लक का लैंडमार्क मानती थी और पापा बैड लक का परमानेंट एड्रेस मानते थे। बैड लक हमेशा मुझे फुटबॉल की तरह लात मार देता है। कभी अपने नाम में एक्स्ट्रा के लगाया? क्या आइडिया है। नंदू नाम के न्यूमरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ली थी, फिर क्या, उसके घर इनकम टैक्स की रेड पड़ गया। अरे, बाली उम्र में इतनी काली दुनिया देख ली, सब कुछ मन में रख के मर जाओगे क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ। अभी स्टोरी बाकी है मेरे चोर, मेरे लाइफस्टाइल के बारे में सुनेगा क्या? व्हाट अ कार, आई एम मर जावा। हेलो, गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ, एक अदरक वाली चाय पिलाना। अदरक इलायची छोड़, मालिक ने तुझे चाय देने से भी मना कर दिया। वो क्यों? तेरा जितना उधार है ना, उससे वो 2 BHK फ्लैट खरीद सकता है। तुझे पता है हाल ही में अमेरिकन साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट और इंडियन साइंटिस्ट ने चाय के बारे में क्या रिसर्च किया है? क्या? अदरक वाली चाय इज इंजूरियस टू हेल्थ। जब से ये सुना है मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। हाँ तो फिर यहाँ आना भी छोड़ दे। इतनी इज्जत मिले तो यहाँ कौन आएगा? यहाँ ये चाय वाला और वहाँ मेरा वो बापू, सब समझते हैं मैं किसी काम का नहीं हूँ। ओह वाओ, पेपर पढ़ना भूल गया। हेलो, गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ। एक लॉन्ग वाली चाय अभी लीजिए। बकवास चाय है, वहाँ जाके पियो, उस कॉर्नर पर। नहीं नहीं सर, यहाँ की अच्छी है, अदरक इलायची सब डालूंगा। जरूरत है, जरूरत है। यस, वांटेड वॉचमैन। क्रिकेट में विकेट कीपर होता तो भी बन जाता, लेकिन किसी के गेट का गेट कीपर बनना, नो नो नो, दैट इज नॉट माय रेंज। लेट मी लुक फॉर अनदर जॉब। वांटेड डोरमैन। डोरमैन। गुड मॉर्निंग सर। जा ऐश कर। जिसे कल दुनिया सैल्यूट करने वाली है वो आज किसी और को सैल्यूट करे, नॉट हैपनिंग। सैल्यूट करूंगा तो सिर्फ इंडियन फ्लैग को। ये नौकरी नहीं करूंगा। नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा। ए भतीजा, तेरे को बोल रही हूँ। तेरे को नवाब की तरह आराम मत फरमाओ। इस पॉजिटिव पद्मा की एडवाइस को सीरियसली लो। इस दुनिया में बिना जॉब का आदमी और बिना मेकअप की लड़की को कोई भी भाव नहीं देता, समझे? सो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कुछ समझे फटीचर? हवा के बिना टायर और फायर के बिना इंसान यूजलेस है। अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो जेंटलमैन बनो, शराब को हाथ मत लगाओ, बॉडी शॉडी बनाओ। फाइनल एडवाइस अपने भेजे में डालो। जिस आदमी को आराम का नशा हो जाए और जिस औरत को सिगरेट की लत पड़ जाए, उनकी जिंदगी धुआं धुआं हो जाती है। सो बी पॉजिटिव। अच्छा, अब तो जॉब ढूंढनी पड़ेगी इस पॉजिटिव पद्मा के लिए। लेट अस फाइंड अ डीसेंट जॉब। सर्च 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 सर्च। वांटेड असिस्टेंट मैनेजर फॉर कोनी सॉल्यूशंस। डाउट डाउट डाउट। Any doubts? Many doubts. Yes, this is Doctor Dhanush. Actually, मेरे पैदा होते समय मैं बचूंगा या मरूंगा ये डॉक्टर को डाउट था। अब वो सच में डॉक्टर था या कंपाउंडर, ये मेरा डाउट है। Anyways, इससे पहले कहाँ जॉब करती थी? ICICI. वहाँ से क्यों रिजाइन किया? वहाँ कोई फ्रॉड किया या बॉस के साथ कोई अफेयर या शफेयर? हाँ, ये मेरा डाउट है। तुम्हारी शक्ल ही डाउटफुल है। यू आल्सो थिंकिंग? गो राइट समथिंग ऑन द बोर्ड।
नौकरी पक्की ना सर? माई बॉस इज माई बॉयफ्रेंड। बॉस यानी मैं, राइट? ऑफिस में सिर्फ जॉब पे फोकस करने वाले एम्प्लॉयज होने चाहिए, वरना वो खुद बॉस के लिए डेंजर बन जाते हैं। ऐसा मेरे बॉस ने मुझे कहा था। वो सही था या गलत, ये मुझे डाउट है। नाउ नो डाउट, प्लीज गेट आउट। ओके सर। हे रोजी, हर दो मिनट में नया डाउट क्यों पैदा होता है? गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन? यू ऑलरेडी केम इन। पर्सनालिटी देखकर तो लगता है तुम कोई बॉक्सर, बॉडी बिल्डर या डिस्को के बाउंसर हो। इस जॉब के लिए तुम फिट हो या नहीं, ऐसा मुझे डाउट है। हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के आने चाहिए थे। एनीवेज, गो एंड राइट समथिंग ऑन द बोर्ड। गो। राइट समथिंग ऑन द बोर्ड का मतलब समथिंग का स्पेलिंग लिखना हो सकता है। इस पे कैसे रिएक्ट करूं, मुझे थोड़ा डाउट है। जैसे अंडे में ऑमलेट छुपा है, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है सर। वाह, वेल सेड, गॉड डैम। एम आई राइट सर? यू आर समथिंग, या तुम्हारी तरह एक फीमेल कैंडिडेट ने भी बोर्ड पर समथिंग लिखा। एक लड़की ने यही लिखा था? एग्जैक्टली। सर, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आई वर्क लाइक अ वन मैन आर्मी सर। व्हाट अ कोइंसिडेंस, उस लड़की ने भी सेम टू सेम जवाब दिया था। तो आपने क्या फैसला किया सर? चलो एक काम करते हैं, दोनों में से कल जो शार्क 10 बजे ऑफिस पहुंच जाएगा, ये जॉब उसे मिल जाएगी। स्कूल में भी फर्स्ट और कॉलेज में भी फर्स्ट। कल डेट भी फर्स्ट है, मैं भी फर्स्ट ही पहुंचूंगा। मुझे तो डाउट है। मुझे भी डाउट है। जल्दी सोएगा तो जल्दी उठेगा ना। छोड़ यार, मेरा बैड लक खराब है। 10 का अलार्म लगाऊं तो 11 बजे आंख खुलती है, इसीलिए रात भर जागूंगा। एक मिनट, तुम्हें रात भर जागना है तो तुम शौक से जागो, मुझे दुकान बंद करनी है। वो दुकान दिख रही है, वहां जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। ट्रिंग। ओहो, 10 बजे पहुंचना है, बहुत टाइम है। कमर सीधी कर लेता हूं। शाम 10 बजे पहुंचोगे तो जॉब मिलेगी। क्या टाइम हुआ है? तुम 10 बजे पहुंचोगे, ऐसा मुझे डाउट है। लकी, जल्दी चल, जल्दी चल, टाइम पे पहुंचना है। भगवान बचा ले, कहाँ है? बॉस, वो माधव नगर की बस चली गई क्या? मैं पिछले एक घंटे से उसी बस का वेट कर रहा हूँ। बॉस, टाइम क्या हुआ है? 9:30। लिफ्ट, हेलो, लिफ्ट प्लीज। गई नौकरी पानी में, घर जाके सो जाता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, इधर देखो। हाँ हाँ, तुम ही। लिफ्ट चाहिए? हाँ, आ जाओ। ओके, थैंक यू। आई लाइक योर डिग्निटी ऑफ लेबर। थैंक यू। रेड कलर की साड़ी पहनी है, मेरे लिए ये कलर बहुत लकी होगा। थैंक यू गॉड। यहीं पे बस, यही ना? थैंक यू। हाँ, थैंक्स। बाय बाय बाय। अभी भी 10 मिनट बचे हैं, ये जॉब तो मेरी है। लिफ्ट भी यही है, लेट्स गो। एक मिनट। थैंक यू। वाओ, लगता है आजकल आप डाइटिंग कर रहे हैं। ये लिफ्ट ऊपर जा पाएगी ना? हे, रुको रुको। एक मिनट। इतनी जल्दी क्या है, ऊपर का नाश्ता बट रहा है, रुक जाना। लेडीज फर्स्ट। लिफ्ट पहले से ओवरलोड है। नारी को सम्मान और लिफ्ट में जगह ना देना पाप है। यू कम प्लीज। थैंक यू। अरे अरे, मेरे सर्टिफिकेट्स। एक नारी को लिफ्ट देने का नतीजा देख लिया ना तूने? रुक। अबे लकी, नौकरी चाहिए तो भाग। नौकरी का सवाल है लकी, 10 बजे तक पहुंचना है। भाग, जल्दी भाग। अरे म्याऊ, ये क्या हो गया? What is this? मैं जोश में 7वें फ्लोर के बजाय 8वें फ्लोर पर आ गया। चल लकी, रिवर्स गियर। Yes, मेरा डाउट करेक्ट निकला। तुमने देखा ना, तुम दुनिया के किसी भी घड़ी के हिसाब से टाइम पर नहीं आए हो, सो तुम्हारी लैक ऑफ पंक्चुअलिटी में तो कोई डाउट नहीं रहा। हेलो, गुड मॉर्निंग म्याऊ। बॉस सुनिए, सूरज समर में 6 बजे और विंटर में 7 बजे राइज होता है। हर शहर में सनराइज और सनसेट का टाइम अलग अलग होता है।
सूर्य देव भी अपने टाइम के पंक्चुअल नहीं है, अब मैं तो एक आम इंसान हूँ। तो क्या मेरा बॉस तुम्हारा टाइम पंचिंग करेगा? सर आपके बॉस को तकलीफ क्यों देनी है, कल से मैं टाइम पे आ जाऊंगा। मैं भी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए ये जॉब मैं उस लड़की को दे रहा हूँ। इस लकी का लक छीनने वाली कौन सी लकी लड़की है सर? दैट प्रिटी गर्ल विद अ ग्लोइंग फेस, मेरी नई गर्लफ्रेंड। आ जाओ ना, मैं ड्रॉप करती हूँ। स्क्वायर में अच्छा लगेगा। हाँ मैं वही कह रही थी। हेलो, गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ, प्लीज वेकेट दिस एरिया प्लीज। हाँ सर, आपने तो मेरी वाइफ को ही जॉब दिया है। क्या वाइफ? वाइफ डाउट है। हेलो बॉस, म्याओ म्याओ, जॉब मुझे दे दीजिए या मेरी वाइफ को दीजिए। डाउट डाउट डाउट, क्या तुम सच में हस्बैंड वाइफ हो? क्या कहा, हस्बैंड? ये हस्बैंड नहीं, रबर बैंड है। ए वाईफाई की जगह वाइफ का कनेक्शन बना रहा है। ऑफिस में वाईफाई कनेक्शन तो है नहीं। ओह, लव एट फर्स्ट साइट राइट? नो 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 नो, मैरिज एट फर्स्ट साइट। मैरिज एट फर्स्ट साइट? यस, बिना जॉब के मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, पॉजिटिविटी का चार्जर बनकर तुमने मुझे रिचार्ज कर दिया, इसीलिए मैंने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। बाय चांस तुमने भी यही अप्लाई किया? मैंने इंटरव्यू दे दिया लेकिन जॉब तुम्हें मिल गई। आज सुबह अपने स्कूटर पर मुझे लिफ्ट दे दी और मैंने ऑफिस के लिफ्ट में तुम्हें जगह दे दी। आज पता चला लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, इट इज नथिंग बट डेस्टिनी। ये डेस्टिनी का लेक्चर ना डस्टबिन में डाल, इस पॉजिटिव पद्मा को पाना इज इम्पॉसिबल। किसी ने कहा है पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। ये सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी का ऑफिस है या फिर मैरिज ब्यूरो है? आई डाउट। हम दोनों लाइफ पार्टनर्स हैं, शादी के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकालना होगा, तुम शादी की तैयारियां करो। ओके डैडी। अरे मालिक, गाल से खून निकल रहा है। मेरे गाल कटने की बात नेगेटिव है, मेरा गला नहीं कटा, ये बात पॉजिटिव है। पॉजिटिव सोचो। समझ गया। क्या सच में ससुर जी? हाँ? जो घर आपने दिया था वो इलीगल बता के तोड़ दिया सरकार ने। हमारा घर टूटा ये नेगेटिव है, पर हम वहाँ नहीं थे ये पॉजिटिव है। सही कहा ना पापा? डैडी डैडी, आज पॉजिटिव पद्मा बहुत नेगेटिव मूड में है, क्या बात है? एक सिरफेरा मुझसे शादी करने के लिए मुझे इरिटेट कर रहा है। उसने तुमसे सिर्फ शादी के लिए ही तो पूछा है, स्वागत के लिए नहीं पद्मा। पॉजिटिव सोचो। इनका पॉजिटिव सुन के मेरा बीपी नेगेटिव होने लगा है। नहीं डैडी, उसका तो मैं मर्डर कर दूंगी। पद्मा 5 मिनट पद्मासन करो, मन को बहुत शांति मिलेगी, इन सारी मायाओं से दूर होकर तुम ऋषिकेश पहुंच जाओगी। ये आवाज कितनी पॉजिटिव है। हो सकता है वो तुमसे सच में शादी करना चाहता हो, इसीलिए तुम पॉजिटिव रहना भूल गई। मुझे डाउट है कि मछली को ठंडे पानी में ठंड लगती होगी। मुझे ये डाउट है कि आपको हर बात पे क्यों डाउट होता है। I don't think you are qualified to counter my doubt, ऐसा डाउट है। सेमीफाइनल हारने पर भी टीम फाइनल खेलने की जिद करे, वैसे सिलेक्ट ना होने पर भी कोई जॉब करने आ जाए तो डाउट तो बनता है। खुद पूछ लीजिए। आओ देखते हैं। हेलो मिस्टर। हेलो, गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाइफ की मदद करना हस्बैंड का फर्ज है। वाइफ? अब किसकी वाइफ? नॉनसेंस। नो प्रॉब्लम, मुझे हस्बैंड कह सकती हो। गाइस गाइस गाइस, रात भर मुझे डाउट होता है कि मैंने अलार्म ऑन किया कि नहीं। सुबह सुबह मैं टूथब्रश की बजाय शेविंग क्रीम से तो अपने दांत नहीं घिस रहा हूँ ना, ये डाउट होता है। एंड राइट नाउ मैंने अपनी पैंट के अंदर अंडरवेयर पहनी है या फिर लंगोट पहना है, ये मुझे डाउट है। मिस्टर मिस्टर मिस्टर, आज रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था तो वो बच गया या मर गया, ये मुझे डाउट है। माइंड में डाउट, बॉडी के अंदर डाउट, बॉडी के बाहर डाउट, इस सब के बीच और एक डाउट मत बढ़ाओ। तुम यहाँ जॉब करने आए हो या वाइफ के साथ जॉब शेयर करने आए हो, ये बताओ। शेयर करने आया हूँ, करेक्ट ना? हेलो, ये शेयर ऑटो नहीं है जहाँ शेयर करोगे। आउट राइट नाउ। मैंने अपना दिल तुम्हें दिया है, तुम्हारे दिल में बस थोड़ी सी जगह दे दो। हमारी शादी कहाँ करनी है वो जगह मैंने ढूंढ ली है। मैंने तो अपने डबल बेड पर भी तुम्हारी जगह फिक्स कर ली है। ट्विंस के लिए ट्राई करें? ये सॉफ्टवेयर कंपनी है या कोई लवर्स पॉइंट, ये मुझे डाउट होने लगा है। लोग पहले लव के लिए प्रपोज करते हैं, तुम तो अजीब हो, सीधे मैरिज पे पहुंच गए। सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सॉरी, याद है क्या कहा था? नॉट लव, मैरिज एट फर्स्ट साइट। गेट आउट। आज बीवी गुस्से में है, पर्पल ड्रेस पहन के बिल्कुल बैंगन की तरह चमक रही है। आई विल मीट यू लेटर। ओह मिस्टर मिस्टर, फ्लावर सुन के एक डाउट जगा। प्लीज हां प्लीज, इस डाउट को अपने दिल में ही दबा दो। वरना
सर, व्हाट इज दिस पद्मा, ये सब क्या है? हेलो म्याऊ म्याऊ, ग्रीन ड्रेस पहन के कल ग्रीन पार्क के ग्रीन मंदिर में आना। मैं उसे शादी के लिए ग्रीन सिग्नल समझ लूंगा। ओके सिग्नल देगी, मुझे डाउट है। इस बार तो मुझे भी डाउट है। तुम मुझे सिग्नल दोगी? या भगवान जी मेरी प्रार्थना सुन ले। तुम यहाँ? हेलो गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ। हेलो हेलो, क्या है? जैसा तुमने कहा था मैंने ग्रीन ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पहनी है। ये देखो वाइट है, ये लव नहीं लस्ट है। डोंट फॉलो मी। हेलो हेलो हेलो, ए म्याओ म्याओ, आज पॉजिटिव पद्मा इतना नेगेटिव रिएक्ट क्यों कर रही है? तुम्हारे लिए नेगेटिव सोचना ही एक तरह से मेरे लिए पॉजिटिव हो गया है। शिवा 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 शिवा। जब तक इंसान नेगेटिव नहीं सोचेगा पॉजिटिव काम कैसे करेगा? सबसे पहले फायर ब्रिगेड बनाने वाले को पहले आग के बारे में सोचना पड़ा होगा। नेगेटिव पॉजिटिव की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। ना मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और ना मेरी किस्मत मिलवाना चाहती है, समझे? गुड बाय। क्या बात है, ग्रीन ड्रेस में क्या लग रही हो? ओ पॉजिटिव मियाओ, अब तो भगवान और किस्मत ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मैरिज इज अ मेड इन हेवन। इस मंगलवार को बहुत अच्छा मुहूर्त है, कहो तो उसी दिन मंगल सूत्र पहना दूं। Yeah, the UK sound. What a wicked style. People, they drive me crazy. गुस्सा क्यों हो रही हो? शुक्र करो कि मैं चुप हूँ, वरना कब का पुलिस में कंप्लेन कर चुकी होती। तुम पर दया करके तुम्हें जाने दे रही हूँ। दया करके शादी भी कर लो। नो प्लीज, एक पॉजिटिव इंसान को नेगेटिव बनाने की कोशिश मत करो। ठीक है, अलग हो जाते हैं। हाँ। अलग होने से पहले एक कहानी सुननी होगी। ओके, बको। बहुत पहले रत्नागिरी में एक राजा था जिसका नाम था रत्न बाबू। उस राजा के 9 बेटे थे। 9 नहीं, उसके 7 बच्चे थे। राजा में काफी स्टैमिना था और रानी काफी कोऑपरेटिव थी, तो ओके ओके समझ गई, यू कंटिन्यू। उसके 9 बच्चे 2 बार शिकार करने निकले। बड़े भाई ने 9 शेर शूट किए, छोटे भाई ने 1 चीते को शूट किया, बाकी भाई फिसद्दी निकले। उन्होंने 6 खरगोश, 8 बंदर, 6 भालू, 7 हिरन, 8 लंबे जिराफ और 9 गेंडों को शूट किया, पर जानती हो शिकार में एक भी गोली नहीं चलाई, कैमरा से शूट किया। आज रत्नागिरी की कहानी सुनाई, कल शोलापुर की सुनाऊंगा। अरे एक सेकंड, ये झूठी कहानी मत बनाओ। गुड बाय। हेलो म्याओ म्याओ, इस कहानी में लकी का फोन नंबर छुपा है, घर जाके इसे आराम से डीकोड करना। हा, हा, मेरी जूती भी डीकोड ना करे। आंखें बंद करते उसकी आवाज गूंजती है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं करूंगी। नहीं करोगी? ये तो तुम्हारे बस का ही नहीं है। पद्मा को चैलेंज कर रहा है, समझता क्या है? अभी डिकोड करती हूँ। उसके 9 बेटे थे, 2 बार शिकार किया था। ओके, बड़े भाई ने 9 शिकार मारे, 1 ने चीता मारा, 6 खरगोश, 8 बंदर, 6 भालू, 7 हिरन, 8 जिराफ, 9 गेंडे, 9291686789। Yes. क्या ये उसी का नंबर होगा? एक बार चेक करना चाहिए। हेलो हेलो, हु इज दिस? पद्मा, पॉजिटिव पद्मा। मैंने डीकोड करके तुम्हारा फोन नंबर ढूंढ निकाला। और ऐसा तुमने क्यों किया? ज्यादा उड़ो मत, अपनी इंटेलिजेंस प्रूव कर रही हूँ, समझे? इंटेलिजेंस नहीं, इमोशंस। मेरे बारे में सोच रही थी ना? नो। हेलो गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ,
जो बात आज तुम कह नहीं पाई वो बात तुम्हारी पॉजिटिव आंखें पहले ही मुझसे कह गई हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं पद्मा, और मैं जानता हूं तुम इस मुलाकात से मना नहीं करोगी। यस, कल सुबह ईगल वीजा। सिर्फ 500 और 1000 के नोट्स को ही नहीं, तुम्हें भी बैन करना चाहिए। वो क्यों? तुम पर जिसकी एक नजर पड़ जाती है उसका अपने आप एक्सीडेंट हो जाता है। बिना फ्लर्ट के लड़की पटती नहीं है। वैसे पद्मा, अपने घर वालों को मेरे बारे में बता दिया? मेरे घर वाले मेरी किसी बात से इनकार नहीं करते। पॉजिटिविटी मेरे घर वालों के संस्कारों में है। जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया कि तुम बेरोजगार हो, निठल्ले नल्ले हो, कुछ नहीं करते, दिन भर आवारागर्दी करते हो, तो मुझे लगा घर वाले मना कर देंगे। पर पता है, मेरी फैमिली ने इस रिश्ते के लिए झट से हाँ कह दी। ओह थैंक गॉड। लेकिन घर में एक सर्वेंट है। मतलब नौकर? वो तैयार नहीं है। एक्चुअली उसकी वजह ये है कि जब उन्होंने जॉब के बारे में पूछा तो डैडी ने तुम्हारी जॉब को बहुत ही सीरियसली ले लिया। तुम उस नौकर को नौकरी से निकाल दो। उन्हें जॉब से निकालने से बात नहीं बनेगी, तुम्हें जॉब ढूंढनी होगी। लकी, ये पंखा हवा देने के लिए दिन रात मेहनत करता है ना, तो फिर तुम हार्डवर्क क्यों नहीं कर सकते? प्राइम मिनिस्टर बनने को थोड़ी कह रही हूँ। और कुछ नहीं तो कम से कम पिज्जा बॉय तो बन सकते हो, उसके बाद हम दोनों शादी कर। लकी, योर ऑर्डर मैडम। लकी, ऑर्डर देते ही ऑर्डर लेने आ गए। तुम्हारे प्यार में सिर्फ पिज्जा बॉय ही क्या, जरूरत पड़ी तो भिखारी भी बन जाऊंगा। सॉरी, पिज्जा बॉय की जॉब। ओके, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। मेरे पास 25 करोड़ है। जेके की नजर से बच के भागना आसान नहीं है। मेरा पासपोर्ट उसी के पास है। एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। तुम भी अपने शहर जाकर अपना पासपोर्ट ले आओ। पासपोर्ट आ जाने के बाद हम दोनों जेके की नजर से बचकर हमेशा के लिए दुबई पहुंच चुके होंगे। सही है, चेंज सर। टिप रख लो। हमारे बॉस हमें सैलरी देते हैं सर, टिप नहीं ले सकता। थैंक यू सर। तुम्हें टिप नहीं लेने की आदत है और मुझे टिप वापस नहीं लेने की, तो इसका एक ही सलूशन है सर। मी? या पॉजिटिव। पहले टिप लेने से इनकार किया, फिर कुछ सोच के डोनेशन बॉक्स में डाला। हमारी पॉजिटिव फैमिली के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट दामाद हो। पॉजिटिव लड़की के लिए पॉजिटिव हस्बैंड हो। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। सच में? नोट डाल दूं? पॉजिटिव। कहीं उस नौकर की वजह से सुसाइड करने का ख्याल तुम्हारे दिल में तो नहीं आया? चोर भाई, तू रॉन्ग है। अच्छा रॉन्ग, दो चाय स्ट्रॉन्ग। पानी मार के ना। छोटू, पानी मिलेगा? हाँ है ना सर। ए झिंगुर, अदरक और इलायची भी डालना। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? 90 ml खरीदने के लिए 9 rupees कम पड़ गए। कैन यू गिव मी लिटिल उधार? अरे तेरे भी उधार मांगने के घटिया दिन आ गए, इससे अच्छा मेरी तरह चोरी चकारी करना शुरू कर देना। गुड जोक, गुड जोक। तो 9 rupees उधार मिलेंगे ना? नहीं, 9 rupees वाली चाय पिलाऊंगा। अरे मतलब मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये अपनी गैंग का है। अब ये बेवड़ा कौन है? मेरा फ्रेंड है। अब ये कौन सा नया ट्विस्ट है? फ्रेंड फ्रेंड को मारना चाहता है? जान से मार दूंगा। लेकिन तुम्हें मारना क्यों चाहता है? तुम तो हार्मलेस लगते हो। ट्रेजिक किस्सा है। तुम्हारे हर किस्से में ट्रेजेडी का एक हिस्सा क्यों होता है? मेरी लाइफ में कोई भी घटना बिना दुर्घटना के नहीं घट सकती। जब घर वालों ने घर से निकाल दिया तो हैदराबाद में अपने दोस्त राजेश के पास आ गया। ए भाई, कैसे हो भाई? हाउ आर यू? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार, तू बता। हेलो, व्हाट अ जादू मिरेकल यार। वैसे पंचांग वंचांग में मैं भरोसा नहीं करता, पर तुझसे हाथ मिला के मेरा प्रमोशन हो गया। लग गई वाट, अब बैड लक इसका बादाम शेक बनाएगा। इसका बुरा वक्त तो आ गया। सुन राजेश, मुझे गांव वापस जाना है। नहीं, नो, सिर्फ हाथ मिलाने से प्रमोशन हो गया, रूममेट बना के पता नहीं क्या होगा, क्लासमेट बना के तो। अरे आना, कम विद मी। अरे बात को समझने की कोशिश कर। अरे सोच मत यार, चल।
राजेश, मैं सिर्फ नाम का लकी हूँ, ये जायंट व्हील है, गुड़ से बैड लगाएगा। बकवास है, कौन सी दुनिया में जी रहा है यार। हाईटेक सिटी है, हाईटेक एरिया है, 4G का जमाना है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की बात करता है। आई फॉलो लॉजिक, व्हाट्सएप फॉलो करता हूँ, ट्विटर फॉलो करता हूँ, यू फॉलो मी। हैदराबाद क्यों आया? गांव में वेला पड़ा था। डोंट वरी, HR मैं हूँ, सिर्फ एक मीटिंग का सवाल है। गुड मॉर्निंग सर, ये मेरे दिल का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा, माई बेस्ट फ्रेंड सर। सर, ही इज माई स्ट्रीट मोहल्ला फ्रेंड। मैं इसकी नकल मार के न जाने कहां से कहां पहुंच गया और ये बेचारा स्ट्रीट मोहल्ले में ही रह गया। ये मेरा बेंच फ्रेंड था, इसलिए आज इसे बेंच में घुमा रहा हूं। सर, इसे कंपनी में काम दे दो, ये कंपनी को ऊपर पहुंचा देगा। सर्टिफिकेट्स पिछले साल की बाढ़ में बह गए। सर्टिफिकेट्स की क्या जरूरत, मैं ही इसका जीता जागता एक्सपीरियंस हूँ। इसको जॉब दे दीजिए सर, ये अपनी कंपनी को ऊपर पहुंचा देगा। थैंक्स यार। क्या सर, एनी मैसेज? मैसेज नहीं, मेल। वाह, मेरा फिर से प्रमोशन। कंपनी के CEO मिथुन राजन को अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट कर लिया? और सभी एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट कर दिया? ये कंपनी शट डाउन हो रही है, घोटाला हुआ है, एम्प्लॉइज ब्लैकलिस्टेड हो चुके हैं। तुम लोग इसका मतलब जानते हो क्या? यहाँ का कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता है। लाइफ लॉन्ग अनएम्प्लॉयड। लाइफ लॉन्ग अनएम्प्लॉयड, दोस्त की नौकरी का क्या? अरे बेवकूफ, जब तेरी ही जॉब नहीं रही तो इसे जॉब कहाँ से देगा? वाकई तुम्हारे दोस्त के शुभ चरणों ने कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। ए, बैज में मेरा फोटो है यार। लैपटॉप छोड़ दे यार, गेम तो खेलूंगा। मैंने पहले ही कहा था मैं बैड लक हूँ, मुझे गांव जाने दे। नॉनसेंस, मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता, सिर्फ साइंस को मानता हूँ। मेरे आने वाले गुड टाइम से पहले की ये अप एंड डाउन है। यू डोंट फियर, आई एम हियर, माय ससुर इज मेयर। मैं अपने ससुर को मना के तुम्हें कुछ ना कुछ तो बना दूंगा, मतलब डिप्यूटी मेयर। सिर्फ एक कॉल का सवाल है बाबा। नहीं नहीं, बुड्ढा बहुत समझिएगा। हेलो ससुर जी, आपको ही कॉल लगा रहा था और आपका ही कॉल आ गया, बोलिए। मैंने न्यूज़ देखी है। व्हाट न्यूज़? ससुर जी, जो आपका है वो मेरा है, इट्स सिंपल। इस रिश्ते को भूल जाओ, मैरिज इज कैंसल्ड। कैंसल्ड? ससुर जी आप गलत कर रहे हैं, आपकी बेटी मेरे प्यार में पागल है और मेरे जैसा लड़का उसको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ए सुन बे, मेरे पापा ने जो कुछ भी समझाया वो तेरे भेजे में नहीं घुसता क्या गधे? तेरे पापा उम्र से बुढ़े, सर से गंजे और दिमाग से सटिया गए हैं, मेरे जैसा जेंटलमैन नहीं मिलेगा। जेंटलमैन के बच्चे, जोकर से शादी कर लूंगी लेकिन तेरे जैसे जॉकर से कभी नहीं। फोन काट नल्ले ने ठल्ले गधे। अब तो मान जा, इससे पहले कुछ और गड़बड़ हो मुझे गाँव जाने दे। साइलेंस, मेरे पास मर्सिडीज है, बंजारा हिल्स में फ्लैट है। अच्छा वन मोर सेकंड, बस लेट्स गो, फॉलो मी। SBI, हाय। यहाँ क्यों आए? इंस्टॉलमेंट भर दिया था ना? नेक्स्ट मंथ भर पाएगा। इतनी जल्दी न्यूज मिल गई? चाबी दो। फ्लैट की चाबी दे। पर वो किस लिए? क्योंकि तू प्लेटफॉर्म पे सोने वाला है। वॉचमैन के पास चाबी है। हाथ हटा, हाथ हटा। ए, तू सुबह बस स्टैंड पे मिला, शाम तक मेरी हालत बस पकड़ने जैसी नहीं है। मनहूस है तू, माय बैड लक, बैड लक। 4G के युग में ज्योतिष को फॉलो करना होगा। छी, खड़ा क्या है, निकलना। ऐसी हालत में तुझे कैसे छोडूं? मतलब अभी भी नहीं छोड़ेगा, जानता है आग लगाना बाकी, चिता पे लेटा हूं मैं। हे, तू नहीं जाएगा तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं चाहूंगा। ये सब क्या चक्कर है यार, इसकी हालत तो कचरा पेटी जैसी होगी है और तुम्हारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और तुमसे मिलने वालों को शनि लग जाता है। एक बार शेक हैंड किया तो लाइफ ही शेक हो जाती है। इसकी लाइफ के हाईवे में तो तुम टोल टैक्स के गेट बन चुके हो, तुम दूसरों के लिए पनौती हो। प्लीज आगे की स्टोरी जल्दी सुनाओ, बताओ कितनों की जिंदगी में आग लगाई है। सच में तो उन सबको सुसाइड करना चाहिए था। किसी तरह से रोते धोते मेरी जिंदगी सही पटरी पर बस चलने ही लगी थी कि एक दिन गांव से पापा का फोन आया। लकी, हेलो, गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ। हाय डार्लिंग म्याओ, तुम कब आए? मैं, एक मिनट जरा, फोन आ रहा है। हे, ये क्या, डैडी तुम्हारा नाम तक नहीं लेते, आज फोन कैसे कर लिया? बस नाम पापा का है, फोन मम्मी ने किया होगा। हाँ हेलो मम्मी, कैसी हो? तेरी बहन की सगाई है बेटा। वेरी गुड, इसलिए फोन किया है ताकि मैं सगाई में ना आऊँ ना। छी छी, कैसी बातें कर रहा है, तेरे पापा ने तुझे आने को कहा है? भैया मम्मी ने कहा है तो आना ही होगा। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। तुम जानती हो ना मैं कितना अनलकी हूँ। सगाई कैंसिल हो गई तो
मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुझे मेरी कसम है। मुझे तो जाना ही होगा। सासू माम, मैं अपने हस्बैंड को लेके आऊंगी। प्रॉमिस, बाय। पॉजिटिव पॉजिटिव, याद है ना, दोनों साथ में जाएंगे, फंक्शन भी अटेंड करेंगे, बेटे को पिता से मिलवाएंगे। ओह, ये है मेरा घर। बी पॉजिटिव, बहुत अच्छा घर है। हे, कैसी लग रही हो? कमाल लग रही हो। आजा। ओ पापा। पंडित जी, सब तैयारियां हो गई ना? हाँ, सब तैयारियां हो गई। मेरी माँ। ठीक है, आप तैयारियां कीजिए। अरे बेटा, तू आ गया। तुझे पापा ने फोन किया था ना? अरे बाप रे, मरवा दिया ना, झूठ बोला था। और तुम दोनों ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। नमस्ते अंकल। गुस्सा करने से बीपी बढ़ता है और हंसने से इंसान फिट रहता है। पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट? इन्हें अंदर लेकर जाओ। आओ बेटा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम कुंडलीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, ओम त्र्यंबकम् यजामहे। बेटे से कहो शादी तक बस इसी तरह मुस्कुराता रहे। ठीक है जी। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सवर्त साधिके। यजमान, शगुन का नारियल लेने दीजिए। जी। समधी जी, मैं अपनी इकलौती बेटी आपको सौंप रहा हूँ। इसे बेटी की तरह रखना। अरे ये क्या, ये है हमारी बेटी, आप उन्हें अपनी बेटी क्यों बता रहे हैं? भगवान, हमारी बेटी है या बेटा? आप फिर भूल गए, हमारे बेटे की शादी है। ओ अच्छा अच्छा, याद आया, बेटा है, बेटा। इन्हें मजाक करने की बहुत आदत है, पहले स्टैंड अप कॉमेडियन जो थे। लगता है अंकल को मेमोरी लॉस का सॉलिड प्रॉब्लम है, आंटी बहुत स्मार्टली ढक रही है। समधी जी, पाई पाई जोड़कर मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है। आपको उसके हॉस्पिटल के उद्घाटन में आना होगा। क्या कर रही हो भगवान? पैसे की बात करो ना। आपने वो 25 लाख उंगली का इंतजाम कर दिया है ना? हाँ, थोड़ी ही देर की बात है, बस पैसे आते ही होंगे। अरे बाप रे, मेरा मनहूस मामा। जीजा जी, पता है वो जो पैसे देने वाला था ना, उसने 2 दिन बाद आने को बोला है। ओह नो, अब ये बिल भी मेरे नाम पड़ेगा। यहाँ आना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हेलो, आप लोग कैसे? समती जी, पैसों का इंतजाम 2 दिन में हो जाएगा। हम इंतजार कर लेंगे। अभी चलते हैं। अच्छा, टोटल लॉस। बाप रे, पॉकेट मनी में 25 लाख दे रहे हो, लकी आदमी है। पॉकेट मनी नहीं है बेटा, दहेज का पैसा है। तो पापा को देने बोलो। भैया, पापा को नहीं, आपको ले जाना है। ऐसा क्यों? पापा का विश्वास जीतने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये किसका आइडिया है? ये आइडिया मेरी पॉजिटिव बहू ने दिया है। बकवास आइडिया है, 25 साल पहले भी मेरी वजह से 25 लाख का नुकसान हुआ था। 25 मेरा अनलक्की नंबर ही है, मैं नहीं जाऊँगा। लक्की, बी पॉजिटिव। मेरी माँ, पॉजिटिविटी पे लेक्चर मत देना, मैं लेकर जाता हूँ। जीजा जी, आपको बताया यहाँ पर क्या हो रहा है? दीदी ने वो पैसे लकी को दे दिए, उन्हें तो मैं ले जाने वाला था। हाँ पता है, आपको पता है जीजा जी। हाँ समझ गया, कुंभ के मेले में जुड़वा भाई बिछड़ते हैं और बस में तुम्हारी जुड़वा बैग बिछड़ गई है ना? करेक्ट। नॉट करेक्ट। अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, उनके भूलने की आदत का फायदा उठाकर बहन की शादी बचाने के लिए उनसे कह दूंगा कि पैसे दे दिए थे। ये गलत है। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा। तुम अपने पापा को पॉजिटिवली सच सच बता दो, वो समझ जाएंगे। वो सुसाइड कर लेंगे। प्लीज मेरी बात मान जाओ ना, ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, अभी जाना होगा, बाय। लकी, व्हाट, बैग एक्सचेंज हो गया? कितनी लापरवाह हो। उस बैग में मेरा डायमंड नेकलेस था। नेकलेस से इम्पोर्टेंट है पासपोर्ट, जेके से जिंदा बचना है तो वो बैग ढूंढना होगा। उस ट्रैवल एजेंसी का नाम क्या है? हेलो, कहाँ की टिकट चाहिए? सर मेरा बैग एक्सचेंज हो गया है, जरा चेक करेंगे। चल रहा है ना, प्रीमियम तत्काल चाहिए तो मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, बस में मेरा बैग एक्सचेंज हो गया।
हाँ भाई साहब, कोई परेशानी? बस में बैग एक्सचेंज हो गया था। दोनों बैग एक जैसे हैं, आपस में चेक कर लो। क्या ये आपका बैग है? थैंक गॉड, पापा की कमाई। हाँ, मिल गया। थैंक गॉड, माय पासपोर्ट। थैंक यू बॉस। हे, होटल में उस दिन तुम ही थे ना, मुझसे टिप नहीं ली, बॉक्स में डाल दिया और आज ये बैग लौटाया। इसमें डायमंड नेकलेस था, देखा नहीं तुमने? दूसरों की चीजों को हाथ नहीं लगाता मैं। आई लाइक योर कैरेक्टर। थैंक यू सर। ठीक है तो मैं जाऊं? हाँ, मिल गया ना। थैंक यू। थैंक्स। 2000 की नए नोट, आखिर तुमने कहां से जुगाड़ किया? पेड़ मत गिनिए, सिर्फ आम खाइए। घर की छत पर एक बोरी रखी है, 1000 के नोटों से भरी हुई है बेटा। धीरे बोलिए, छत के भी कान होते हैं। अगर तुम्हारी बैंक में पहचान है तो नोट बदलवा दो। वैसे ये नोट किसके लिए है बेटा? वो पापा ने दहेज के पैसे भेजे। हाँ, याद आया। तो गिनकर चेक कर सकते हैं। तुम्हारे पापा वचन के पक्के हैं। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। तुम भी काफी हैंडसम दिखते हो। तुम्हारी शादी हो चुकी है बेटा? नहीं सर। बात ये है कि मेरे छोटे भाई की एक बेटी है। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है सर। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। मैं यहाँ इडली खाता हूँ और बाहर बर्गर। लगता है आंटी घर पर नहीं है। घर पे कोई भी नहीं है, सब बाहर कहीं घूमने गए हैं। सर मैं चलता हूँ। हाँ, पापा को थैंक्स बोलना। क्या बात है, पद्मा का फोन नहीं लग रहा। आज लकी का लकीएस्ट डे है। पहली बार लाइफ में मैं फुल हैप्पी हूँ और आज ही के दिन इससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कल सुबह ट्राई करता हूँ। पच्चीस मिस्ड कॉल्स आए हैं। अरे वाह, मेरा लकी नंबर। कुछ तो गड़बड़ होगी। पापा आप यहाँ? मेरे साथ चल। हम कहाँ जा रहे हैं? कोई काम है तो मैं करके आ जाता हूँ। इन्हें पैसे दिए थे? ऑफ कोर्स दिए थे। तुम यहाँ आते तो पैसे देते ना। ये क्या कह रहे हैं अंकल, कल ही तो मैंने आपको 25 लाख रुपए दिए थे। ये बात सच है कि मुझे भूलने की जबरदस्त बीमारी है, लेकिन इतना भी भुलक्कर नहीं हूँ कि 25 लाख लेके भूल जाऊँ। देखो, सुबह सुबह भले ही पेस्ट की बजाय शेविंग क्रीम से ब्रश कर लेते हैं या रात को भूल से पड़ोसन की घंटी बजाते हैं, पर अपनी तनख्वाह मुझे ही ला कर देते हैं। लेकिन शायद उस दिन की बात। बीच में मत बोलो, मैं इतना भी बड़ा भुलक्कर नहीं हूँ। देखिए, हमें सिर्फ ये बताइए कि पैसों का इंतजाम हुआ है कि नहीं। आप दोनों मेरे घर में आके फालतू का ड्रामा मत कीजिए। आंटी, आप मेरे पापा के साथ इस बस करो। कल तुमने वो बैग खोया कि नहीं? हाँ खोया। hey, पद्मा ने खुद मुझे फोन पे बताया था। पापा वो बात सही है, पर मुझे बैग मिल गया। मैं एक भी शब्द सुनना नहीं चाहता। तुम्हारी वजह से बेइज्जती हुई है, तुम्हारी वजह से इनके ताने सुनने पड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सब एक ड्रामा है, मेरा नाम खराब कर दिया आज। समधी जी, आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, मैं अरेंज करके दूंगा। मैं पूरे पैसे देने का वादा करता हूँ। प्लीज इस शादी को मत रोकिए। पापा, पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा मेरा यकीन कीजिए, पापा मैंने पैसे दे दिए थे। पापा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पैसे दे दिए थे पापा। एक बात का यकीन हो गया, यही कि तुम्हें पैदा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। तेरा मनहूस साया अगर इस घर पे पड़ा तो न सिर्फ मेरी बेटी की शादी रुकेगी, तेरे बाप का दिल भी धड़कना बंद हो जाएगा। आज मेरा दिल ये दुआ कर रहा है, काश तू पैदा होते ही मर जाता, एक तो आंसू बहा लेते। जब तक तू इस दुनिया में जिंदा रहेगा, हम बस रोते ही रहेंगे। तू अगले जन्म में मेरा बेटा मत बनना, हो सके तो जन्म ही मत लेना। अंकल। देखा पद्मा, पापा मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हैं। पर मुझे यकीन हो गया कि तुम एक नेगेटिव कैरेक्टर हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पापा को सच्चाई बता दो, कहा था ना, पर तुम नहीं माने। तुमने झूठ बोलना बेहतर समझा। जानते हो ये क्या है? मेरे डैडी ने
घर के जेवर बेचकर ये चेक दिया है। पता है उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है, और तुम हो के मेरी एक बात भी नहीं मानते। मैं तुम्हें माफी नहीं कर पाऊंगी, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। गुड बाय। और उस दिन से पापा ने कभी मुझसे बात नहीं की। वो तो ऐसा मानते हैं कि मैं मर चुका हूं, और मेरी प्यारी सी पॉजिटिव पद्मा ने भी मुझ पर नेगेटिव होने का इल्जाम लगाया। और उस दिन से आज तक मेरी अपनी मां से भी बात नहीं हुई, उन्होंने एक फोन तक नहीं किया। अब तुम ही बताओ कि मेरी गलती क्या है। एक मिनट रुको यार, तुम एकदम सही हो। तुम जैसे पनौती को मरना चाहिए, ले गटक जा। ये क्या, रोकने के बजाय एनकरेज कर रहे हो? रोकूंगा भाई, जिसने भी तुझे रोका है ना उसे मैं रोक लूंगा। ले बिंदास गटक जा, गला गीला कर। ए, कोई दरवाजे पर है, शायद मेरा गुड लक आया होगा। दीपिका करीना होगी तो भी मत खोल, पहले ही से पी पी जाना। अरे क्या पता पॉजिटिव पद्मा आई होगी। इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, मैं बिना पता किए नहीं मरने वाला। तू यहाँ क्या कर रहा है? हेलो ब्रदर, ये मेरा अपार्टमेंट है। माँ कसम, एक और ट्विस्ट, ये घर भी तेरा नहीं है। अबे तू चुप रहेगा। हेलो गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ, ये मेरा ही फ्लैट है। साई कृपा अपार्टमेंट पेंट हाउस मेरा है। साई कृपा अपार्टमेंट बाजू के कॉम्प्लेक्स में, ये साई रूपा अपार्टमेंट्स है। ओह सॉरी सॉरी बॉस। ओके नो प्रॉब्लम। इसमें डायमंड नेकलेस था, देखा नहीं? दूसरों की चीजों को हाथ नहीं लगाता मैं। लकी? हाँ लकी, आई नीड अ फेवर। सॉरी भैया, आजकल फुल कड़की चल रही है। तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, एक दिन के लिए बैग रख लो, इसके लिए 1 करोड़ दूंगा। माँ कसम, खोपचे में आओ ना। अरे भाई, 1 दिन में 1 करोड़ मिलेगा, कल आराम से सुसाइड कर लेना, मुझे करोड़पति बना दो। मतलब मरूं मैं और करोड़पति तू बने? संगे मरमर की समाधि बनाऊंगा, बांट लेंगे यार। सेकंड ऑप्शन बेटर है। हाँ चलेगा, लेट्स डू इट। सौदा पक्का। बाप रे, अरे ऐसे क्या देख रहे हो, डील पक्की है। लकी, तो कल आऊंगा और तुम्हें 1 करोड़ देकर जाऊंगा। ओके, बैग का ख्याल रखना, बाय। ये नमूना कौन है, एक झटके में ग्लास भर के जहर पी गया, अब 1 करोड़ कौन देगा? लक ने फिर से तमाचा मार दिया। किसने बोला था तू अनलकी है? पहली बार मरने गया, मैंने बचा लिया। आज फिर से मरने वाला था, इस घोचू ने बचा लिया। मान न मान, तू बहुत लकी आदमी है। चल वो सब छोड़, सुसाइड का सामान फिर से लाना होगा। मुझे थोड़ा सा उधार देना। कल 1 करोड़ देने वाला आज मर जाएगा, और मैंने तुझसे कुछ लिया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। अब ये बैग ले जाना, रख अपने पास। पैसा किधर है? तुझे ढूंढ लूंगा इसकी उम्मीद नहीं थी ना? मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि तू मुझे धोखा देगा, लेकिन मुझे तो पूरी उम्मीद थी। तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? ए, मेरा ईगो हर्ट किया तूने। बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। इसे लेके आओ मेरे पास। मनी विथ एल मरते मरते पहेली छोड़ गया। एल? बॉस बॉस, दरवाजा खोल। ओहो चोर म्याओ, न्यूज़पेपर बांटना शुरू कर दिया क्या? समाचार पढ़ा क्या? क्या हुआ? जिसने कल बैग दिया था ना, वो कल कार एक्सीडेंट में मर गया। मतलब 1 करोड़ गए? हाँ, सब कुछ चौपट हो गया।
शह, बैड लक। अरे इसे बैड लक नहीं बोलते, तुझ पर जो मर्डर केस था ना, वो उसे ठोकने वाली गाड़ी के ड्राइवर पर शिफ्ट हो गया है। लेफ्ट राइट सेंटर सब एंगल से तू लकी है। वैसे तेरी बात में करेक्ट लॉजिक तो है। सही बोला, एक चोर खाली बैग लेकर आ सकता है लेकिन खाली हाथ जा नहीं सकता। सुबह सुबह उच्च विचार, सुबह सुबह शुभ समाचार सुनाया, छोटी मोटी दक्षिणा तो दे दो। ठीक है, देखता। सही है। नहीं, नहीं, नहीं। ये बैग कोई मामूली बैग नहीं, शनि है। अगर इस पनौती को अपने कंधे पे रखा ना, तो मुझे कंधा देने के लिए कोई नहीं मिलेगा। इस बैग को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। Are you sure? Sure, I will not take this bag. अच्छा, English? बॉस। अब क्यों आया? तू बैग दे रहा था ना, ऑफर की वैलिडिटी खत्म हो गई। प्राइम ऑफर फिर से स्टार्ट कर दे। क्यों बे चिंदी चोर, किस्मत को ठोकर मारी थी ना। बच्चे की गलती समझ के माफ कर देना। नजर मत लगाना इसे। नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। खुश मत हो, चोर की पार की नजर है मेरी। जिन नोटों से हवा खा रहा है ना, वो सारे नकली हैं। इन पैसों से टॉफी खरीदने जाएंगे तो भी हमें पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये नोट असली है या नकली है पता कैसे चलेगा? वेरी सिंपल, ऐसी एक फूल प्रूफ जगह इस नाचीज बंदे को पता है, आज रात को वहाँ ट्राई करेंगे। मनी विद एल, एंथनी की गर्लफ्रेंड है। एक सेटिंग है उसकी। नाम क्या है? लावण्या। लावण्या, एल फॉर लवर, एल फॉर लावण्या। यस, मेरे पैसे उसी के पास हैं। क्या हुआ, वो मस्का नहीं है? उसकी शक्ल देख के बाउंसर ने एंट्री नहीं दी। बेचारा मनहूस। ये ऑर्डर्स पहले बिल दो। बिल? बिल या फुल? आज इंटरनेशनल रिवर्स डे है, पहले बिल लाओ उसके बाद फुल देना। एक सेकेंड। ये ले, नोट चेक कर, ऑर्डर ले और फुल टू टुन कर डाल। हे लावण्या, तेरे बॉयफ्रेंड की तो रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी ना, है ना? कौन बॉयफ्रेंड? मेरे लिए तो बस पैसा इम्पोर्टेंट है, इंसान नहीं। सर कैश। नए नोट्स? किसने दिए? उन्होंने दिए। कौन है वो, बैंक मैनेजर या बैंक कैशियर? अबे राजेश, नोट चेक करने वाली बात पर इतना जोर क्यों दिया तूने? मैनेजर को हम पर शक हो गया। पकड़े जाएंगे, उसको पता चल गया नोट नकली है। उसे समझ नहीं आ रहा, वो चेक कर रहा है। इनकी जाली स्माइल देखकर लग रहा है कि नोट भी जाली है। ये आ रहा है। लगता है चेक कर लिए। आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है, यही आ रहा है। आई विल हैंडल सर। नोट चेक किया? नोट सही है सर। पता था। लावण्या, उधर देख, उनके पास 2000 के नए नोट्स हैं। आई थिंक दे आर वेरी रिच। अच्छे दिन आ गए। मुझे तो नया बॉयफ्रेंड मिल गया। लावण्या। कौन हो तुम? ए बद्री, एंथनी की गर्लफ्रेंड तो बहुत खूबसूरत है। हाँ वो तो है। जरा इसकी आंखें तो देख, इतनी कमसिन गर्लफ्रेंड हो तो कोई भी धोखा दे सकता है। चल बता कहाँ रखे मेरे 25 करोड़, बता कहाँ है मेरे पैसे, चल बता। उसने मैसेज छोड़ा, पैसे एल के पास है। तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ डांस करती, यहाँ से भाग नहीं जाती। ए बद्री। हाँ भाई। इसका दिमाग तो इसके फिगर की तरह परफेक्ट है। हाँ भाई। वाकई अगर इसके पास 25 करोड़ होते तो बार में कमर क्यों मटकाती? लॉजिक तो है। एल, एल, इस एल को तो मैं ढूंढ के रहूंगा। भाई नोट ओरिजिनल है ना, हा? असली है या नकली? Go back.
अबे अबे शांत हो जा, अबे मस्का चुप हो जा, अबे चुप हो जा, मरवाएगा क्या? क्या क्या खूबसूरत लड़की है। ओ सॉरी, तेरी तो सिस्टर है, मार दूंगा। मेरी सिस्टर। तुम कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। यू आर नेगेटिव 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 नेगेटिव। अबे बाढ़ में गई उसकी पॉजिटिविटी। नाचो। मस्का चुप हो जा। अबे नाचना बंद कर। अबे बंद कर, मेरा बाप आ गया। देखा तुमने, तुम इसी के लिए इतनी चिंतित हो रही थी ना? कैसे बेशर्मी से नाच रहा है, लानत है। चलो। पूरे 25 करोड़ है। सही है। और वो गड्डी को बगल से बाहर निकाल। चल रख। हाँ पकड़ा गया। लकी बोल अब क्या कर रहा है? हाँ लाइफ अब बिजनेस क्लास फ्लाइट बन जाएगी। हाँ, अब हम नहीं बोलेंगे, हमारा पैसा बोलेगा। हाँ, बोलेंगे। हाँ? क्या लकी, कहाँ खो गया यार? लकी क्या हो गया तुझे? काश पापा मुझे इस वक्त कॉल करके शादी के लिए घर बुला लेते। उस खुशी के आगे इन रुपयों का कोई मोल नहीं है। कुछ अनमोल है तो पापा के मुंह से मेरे लिए प्यार के बोल सुनना। 25 लाख रुपए देने के बाद भी पापा ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। 25 करोड़ रुपयों पर हमारा कोई हक नहीं है, ये पुलिस के हवाले कर देंगे। पापा के सामने मुझे अपनी सच्चाई साबित करनी है। उन नोटों के सभी सीरियल नंबर्स को जितनी जल्दी हो सके मीडिया में अनाउंस कर दो, तभी जेके आसानी से पकड़ा जाएगा। नो नो, अभी नहीं, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो। पहले मुझे हायर अथॉरिटी से बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। ओके? तुम कौन हो? सर मेरा नाम लकी है। सर फोन पर आप जिस पैसों की बात कर रहे थे वो इस बैग में है। तुम्हारे पास कैसे आया? सर इस आदमी ने मुझे दिए। ये जेके का राइट हैंड है। ये जेके कौन है? इन्हीं पैसों के लिए उसने 10 लोगों की बेरहमी से हत्या की है। आप ये जानते हैं तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? अरेस्ट कैसे करते है? कोई प्रूफ नहीं था और ना ही कोई विटनेस था। डेड बॉडीज में कई बुलेट्स पाए गए थे, फिर पता चला वो एक इंस्पेक्टर के गन से निकाले गए थे। जुर्म से 2 दिन पहले उस इंस्पेक्टर ने गन के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। ये है उसकी चालाकी। अच्छा। कई साल पहले एक बड़ा फ्रॉड हुआ था, चार मीनार बैंक, जिसमें मेन कल्प्रिट यही था, बट अगेन नो प्रूफ। 2007 में एक चिट फंड घोटाला हुआ था जिसमें भी कोई प्रूफ नहीं मिला। एनीवेज आज कई हफ्तों बाद रॉबरी का पूरा अमाउंट रिकवर हुआ है। मैं वादा करता हूँ कि प्रेस में तुम्हारा नाम जरूर छपेगा। सर मुझे इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। What? हाँ अब कुछ और करना है। वो क्या? मैं वादा करता हूँ कि 7 दिनों के अंदर उस जेके को आपके सामने हाजिर करके रखूंगा। तुम पर यकीन कैसे करूं? उसकी जरूरत नहीं है सर, आप ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं। करेक्ट। सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दीजिए मुझे, जेके मीडिया के सामने एक्सपोज होगा। ओके। तुम्हारे इस खतरनाक मिशन के लिए तुम्हें काबिल पुलिस ऑफिसर दिया जाएगा। छी छी छी, सब काम चोर हैं, बस रिश्वत लेते हैं और दिन भर बेईमानी करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। और आजकल ये हो क्या रहा है? जब भी टीवी देखता हूँ कुछ भी अच्छा नहीं आता इस पर। इससे अच्छा तो रेडियो का जमाना था, कम से कम गाने तो अच्छे आते थे, मस्त लाइफ थी। कुछ अच्छा दिखा दो टीवी रानी, ताकि मैं नाश्ता करके घर जाकर आराम से सो जाऊं। मुझे सोने में और काम करने में दोनों में मजा आता है। अच्छा दिखा दो, 5 बज चुके हैं, बस 1 घंटा ड्यूटी का बचा है मेरा। फिर से वही, मैं 4 बजे से टीवी देख रहा हूँ पर एक भी सीन अच्छा नहीं दिखाया। फिर से धोखा दे रही है टीवी रानी। गुड आफ्टरनून सर। सर कौन है बे तू? मुझे ये बैग मिला था, वो लौटाना था। रेलवे स्टेशन पे मिला तो सीधा पुलिस स्टेशन ले आया? नहीं सर, इस बैग में 25 करोड़ रुपए हैं। मम्मी ये क्या, 25 करोड़ रुपए? राजा तूने यहाँ ये बैग खोला या पूरा का पूरा बैग खोल दिया? 25 करोड़ में से 25,000 खर्च हो गए सर। अरे 25,000 ही क्यों, चाहो तो 25 लाख खर्च कर सकते हो।
यार तुम तो सिक्स पैक वाले सच्चे भोले भाले इंसान हो। अन्ना हजारे के भतीजे हो, बापू के भांजे हो, तुम्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए। राजा तुम्हारा नाम क्या है? लकी सर। तुमसे कहीं ज्यादा लकी तो मैं हूँ राजा। इसके ओनर को ढूंढकर उसे ये बैग हैंडओवर कर देंगे ना। ओ सब मुझ पर छोड़ दो, तुम यहाँ से निकलो। हजारे के भतीजे, बापू के भांजे, लव यू राजा। गुलाबी नोट डीमोनेटाइजेशन के बाद के। हाँ बोल। जो पैसे आपने खोए वो घूमते घूमते मेरे पास आ पहुँचे हैं। अब आप मुझ तक पहुँचोगे या मैं उसे आप तक पहुँचाऊँ? पैसे लाने वाले का नाम क्या है? पैसा लाने वाला खाता है आलू की टिक्की, उसे पसंद है लोनावला की चिक्की और उसका नाम है लकी। पैसे लाने वाले का नाम क्या है? लकी। लकी मनी विद एल, एल फॉर लकी। अपनी पर्सनल गाड़ी में मेरे गेस्ट हाउस पहुँचो, पैसे दे के अपना कमीशन ले जाना। थैंक यू राजा। मुझे यहाँ ऑटोग्राफ देने आए हो ना? पैसा और शोहरत सामने से चलकर मेरे पास आ रहे हैं। हेलो सर, ऑटोग्राफ प्लीज, प्लीज सर। मारा क्यों सर? ऑटोग्राफ पेन से दिया जाता है, बैट से नहीं दिया जाता। अरे दूसरे सर। प्लीज अपना ऑटोग्राफ दो ना। सर प्लीज सर। सर क्यों मुझे धोबी घाट के गंदे कपड़े की तरह धो रहे हो? मैं आपका फैन हूँ। पूरी सेंचुरी यही बनाओगे क्या? अरे राजा रुको, ये क्या कर रहे हो? बाउंड्री के पार कर दिया। अरे राजा रुको, अरे ये क्या कर रहे हो? क्यों दौड़ा रहे हो मुझे? ये लगा तो। अरे धोनी राजा। अरे सर ये लगा सिक्स। मारो उसको। तेरे बैकसाइड पे फ्रंट स्ट्रोक मत मारो, फाइन लेग पे मेरी टांग टूट जाएगी। क्यों बे, दो बार वर्ल्ड कप लेकर आया फिर भी मुझे गाली देगा? नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा राजा। टीवी नहीं देगा। हमारे ऐड के मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये ले, ये ले। लास्ट वार्निंग। मैं भी बैटिंग कर लेता हूँ आज के बाद। पुराना रेडियो सुन लूंगा पर टीवी नहीं देखूंगा। अब ये पीछे से कौन फ्री हिट मार गया? मैं जीत गए, मैन ऑफ द सीरीज। बैक टू पवेलियन। राजा दो लोग आए और एक तीसरा खिलाड़ी, तुम जानते नहीं हो उन्होंने मुझे बैट से बहुत मारा। इतनी बुरी तरीके से तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं धोया था। राजा मैं ड्राइविंग करके तुम्हारे पास आ रहा था लेकिन वो दोनों मेरी धुलाई करके पैसे लूट कर ले गए। राजा मुझे इस एक्सप्रेशन से नफरत है। ये चाहिए क्या भाई? नहीं रुक जाओ राजा। राजा तुम्हें मेरे एक्सप्रेशन पसंद नहीं आए तो फिर मैं अपने एक्सप्रेशन बदल दूंगा। एक मिनट। राजा पसंद नहीं आया तो बता दो ना, मैं बदल देता हूँ। नाइस एक्सप्रेशंस का स्टॉक पड़ा है राजा। मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ वो मुझसे 25 करोड़ ले गए राजा। बड़े खिलाड़ी ऐसे छोटे गेम नहीं खेलते, उनके मुखौटों में कोई और था। कौन थे वो राजा? इस बात का जवाब दो, या तुम दे सकते हो या फिर वो एल फॉर लकी। मम्मी वो लकी था, मेरा एनालिसिस रॉन्ग। मैंने जिसे अन्ना हजारे का भतीजा समझा वो तो दाऊद का चाचा निकला राजा। कॉल लो। एक मिनट राजा। राजा लकी बात करो। हेलो लकी राजा, ये तूने ठीक नहीं किया। अरे मेरे राजा तूने क्या ठीक किया है? तेरी सबसे पहली गलती जेके को फोन करना। हाँ बोल। जो पैसे आपने खोए वो घूमते घूमते मेरे पास आ पहुँचे हैं। अब आप मुझ तक पहुँचोगे या मैं उसे आप तक पहुँचाऊँ? इस रॉबरी का इल्जाम उस लकी पर लगाकर केस क्लोज कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। अरे क्या हुआ, फिर से आ गया? कोई काम है क्या? अपना फोन भूल गया था। फोन रह गया, कहाँ रखा था? दिख तो नहीं रहा, कहाँ है? मिला क्या? हाँ, ये रहा सर। अरे हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी राजा। अच्छा सॉरी बोल रहा है, पैसे लौटाने चाहिए। हेलो गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ। इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला नहीं है, ना ही 25 करोड़ के लिए लोगों को मारने वाला वो जेके, और ना ही 25% कमीशन के लिए काम करने वाला तू, और ना ही मेरे सच्चे प्यार को ठुकराने वाली मेरी प्यारी पॉजिटिव पद्मा जेन्युइन है। जब सबके सब झूठे हैं तो मैंने क्या सच्चाई का ठेका लेके रखा है? हाँ? बस
मैंने फैसला कर लिया है। खोपड़ी में क्या चल रहा है राजा? मैं अकेले इन पैसों से ऐश करने वाला हूँ। अरे लक्की राजा, वो 25,000 रुपए नहीं 25 करोड़ है। फर्स्ट गेम रेस कोर्स, मेरा लकी नंबर 1 है। 1 नंबर के घोड़े पर 1 करोड़ रुपए लगा दूंगा। देखता हूँ मैं कितना लकी हूँ। हाँ ये लो। तू जेके को जानता नहीं, खतरा हूँ मैं। ओ खतरा है? अगर तू खतरा है तो मैं भी खतरों का खिलाड़ी हूँ। तेरा पाला सिर्फ अनाड़ियों से पड़ा होगा। जिस दिन मुझसे टकराएगा ना, तब पता चलेगा डेंजर क्या होता है। मैं 440 वोल्ट का एक ट्रांसफॉर्मर हूँ। तुझे तो मैं ऐसा झटका दूंगा कि अगले 7 सालों तक तेरे बाल खड़े रह जाएंगे, या फिर अगली 7 पुश्ते गंजी पैदा होंगी। बेहतर यही होगा कि तू मुझसे 7 किलोमीटर दूर रहे। तो इलेक्ट्रिक के ट्रांसफॉर्मर पर डेंजर का बोर्ड बन के लटक जाना। लाइफ इज अ सर्कल विच कम्स बैक टू अ पॉइंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड इन द बिगिनिंग। ओके, फोन काट। म्याओ। राजा, उसने फोन काटने के लिए कहा था, फोन को तोड़ने के लिए नहीं। ये गिफ्ट था, मेरे बर्थडे के दिन मेरी वाइफ ने मुझे दिया था। बकवास करने के लिए एक्सट्रीमली सॉरी राजा। ये रेस उसकी लाइफ की आखिरी रेस होगी। देखना इस रेस को इसी ने जीता होगा। ऐसे ही चला तो 25 के 50 करोड़। अगर घोड़ा लास्ट आया तो वो ही जीता। He is the winner. He is the winner. लकी राजा। इस गंजे को बता दो कि तुम्हारा घोड़ा रेस में फर्स्ट आया है। फर्स्ट तो आया है। यस यस। पर बेचारा आगे से नहीं पीछे से फर्स्ट आया है। जेके, घोड़ा हार गया, करोड़ गड्ढे में घुस गए। पुलिस वाले के एक्सप्रेशन की सेल्फी लूं क्या? तुम तो टीवी के सबसे तेज चैनल हो। उसके पास जाके बचे हुए पैसे छीन ले। लकी, यू आर ग्रेट, यू आर महान, नॉट ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब एक काम करो, बचे हुए 24 करोड़ वापस दे दो, वरना अगले 24 घंटों में वो 24 एक्सप्रेशन चेक करने आएगा। हाथ पैर काहे को जोड़ रहा है? हाथ पैर तोड़ के या सर फोड़ के उससे हर हाल में पैसे वापस लेने। इसके गुस्से से इसकी भावना समझ गया। चलो मैटर क्लियर करने के लिए एक गेम खेलते हैं। जो बात मैं अभी कहूंगा उसे 4 बार दोहराओगे तो ये बैग तुम्हें लौटा दूंगा। 4 नहीं 40 बार, फिर बैग मेरा होगा ना। बचपन में मैंने ये बहुत खेला है। बताओ क्या बोलना है। टेल मी व्हाट इज द वर्ड। वेरी सिंपल। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई। रिपीट। नॉट ओनली सिंपल, वेरी 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 सिंपल। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंगे नगर में। एक मिनट। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नागिन नगर में। आगे बोल। वेरी गुड। हाँ, नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंगे नगर में नगीना पहनकर नाचती हुई नागिन दिखाई। पहले ही पैसे डुबो चुका है, बाकी के पैसे भी डुबो देगा, तेरे बस की बात नहीं है। अब देख लोरियां सुन के लॉरी का ड्राइवर कैसे बनते हैं। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर पालिका से नगनी नगनो निकल गई हिगड़ी। चला पीछे हट। बोल रहा हूँ ना, टेंशन मत दे, तेरी मर्जी। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगनो ने। इस जूते की जरूरत पड़ने वाली है। एक पुलिस वाले की इंसल्ट का बदला नहीं लोगे? डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट ले लो। तेरी भी अपॉइंटमेंट ले लूं? हम लोग निकलते हैं। Yeah!
इतने लोग मिलके भी एक आदमी को नहीं मार पाए। देखे, नंदू की नानी ने नंदू की नानी को इसके बाद नहीं बोल पाया। बस उसकी छावी को उठवा ले। 1970 की फिल्मों के आइडिया मत दे। लवर, फादर, मदर, ये सब आउटडेटेड रिश्ते हैं। मुझे वो आदमी चाहिए, उसे मेरे सामने लाओ। कर, फोन कर उसे। हेलो म्याओ म्याओ। लकी सर, कहीं बिजी है क्या? आज 2020 का मैच है ना, बैटिंग करने वाला। हैदराबाद वर्सेस कोलकाता, 4 करोड़ का बैट है। 4 करोड़ का? राजा मेरी बात मानो, कलकत्ता पर पैसे लगाओ। गंभीर बहुत अच्छे फॉर्म में है। ए, तू पनौती है, अब तो हैदराबाद पे लगाऊंगा चाहे जीते या हारे। hey, चल सारे बुकीज को फोन लगा, पता कर कि वो किस बुकी के पास बैठा है। हेलो लकी सर, आपका फेवरेट हैदराबाद जीत गया। अरे पनौती, तेरे कहने पर मैंने कोलकाता पे पैसे लगा दिए थे, सोचा जीत जाऊंगा, क्या हुआ? 4+1 5 करोड़ स्वाहा। जेके सर, आज तक आपने मेरी बात कभी सीरियसली नहीं ली, उस लकी ने कैसे ले ली, ये तो 8वां अजूबा हो गया। ए, उस लकी का अगला कदम क्या होगा पता कर। हेलो गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ। राजा अब कितने करोड़ बचे हैं? राजा तुझे पैसों में इतना इंटरेस्ट क्यों है? उन्हें तो मैंने हवाला से डॉलर्स में कन्वर्ट कर दिया है, उन्हें भूलने में ही भला ही है। मम्मी म्याओ म्याओ। ढूंढ निकालो उस लकी को, सभी हवाला ऑपरेटर्स को फोन लगाओ। ये देखिए सनी की वक्र दृष्टि, राहु केतु की बनी सृष्टि, ऐसे पोस्टर पर ये टाइटल, ऊपर से लिखा है पूरा परिवार देख सकता है लेकिन अलग अलग बैठकर, और हीरोइन लिया तो भी सनी लियोनी को, पूरे देश को हिला कर रख देगा। देखा जेके बॉस, इस लकी ने आपके पैसों से फिल्म बना ली, कम से कम प्रोड्यूसर में आपका नाम तो डालता। अरे फिल्म में 20 करोड़, क्रिकेट मैच में 4 करोड़, ये आपके पैसे उड़ा रहा है। मुझे उसके मरने के एक्सप्रेशंस देखने हैं। हेलो जेके, सिर्फ 2 अक्षर, मौत में भी 2 अक्षर, 2.5 अक्षर प्रेम के, और तेरी प्रेमिका मेरे पास। ए, 3 मिनट में आ जा वरना उसके 4 टुकड़े कर दूंगा। ए जेके, जीवन एक चक्र है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है और फिर वहीं से शुरू हो जाता है। पद्मा को कुछ नहीं होना चाहिए। होना ना होना कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि जीवन एक चक्र है, जहाँ से शुरू वहीं पर खत्म। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक्सट्रीम दर्द क्या होता है, मरने से पहले मेरे हर शिकार ने महसूस किया है। मेरे पैसों की तरफ नजर डालने वालों की आंखें फोड़ देता हूं मैं, और तूने तो मेरे 25 करोड़ पे डाका डाल दिया। तेरे साथ जो मैं करने वाला हूं उसके बारे में सोच के तो शैतान की रूह भी कांप जाएगी। भयानक दर्द सहने के लिए तैयार हो जा। कहा था ना जेके खतरा है। व्हाट्सएप ओपन कर लखे। स्क्रीन ब्लैक हुआ या माइंड ब्लैंक हुआ? ए लकी, तेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, मेरा पैसा मुझ तक पहुंचा दे और तेरी एल्फ और लवा तुझ तक पहुंच जाएगी। अब पद्मा की आखिरी फोटो देखनी है या मुझे मेरा पैसा वापस लौटाना है, तो खुद डिसाइड कर ले। मैडम जी, लकी भैया, भाभी जी को साथ लाया हूँ।
भैया मेरी इस भक्ति के बदले में प्रसाद तो मिलेगा ना। जाइए भाभी जी, जाइए ना। लड़की को छोड़ा क्यों? आपने उसे एक व्हाट्सएप भेजा, उसने भी मुझे एक व्हाट्सएप भेजा। उस वीडियो में मेरी वाइफ थी। अपनी वाइफ के लिए उसे छोड़ दिया? वो सिर्फ मेरी वाइफ नहीं है जेके सर, वो मेरी डार्लिंग है। इस बार फोन नहीं तोड़ेंगे क्या? मुझे ये बताओ, वो आदमी कौन था और मुझे किडनैप क्यों किया, और उसका पैसा तुम्हारे पास कैसे आया? आखिर ये सब हो क्या रहा है? बहुत लंबी कहानी है। सॉरी लकी। सॉरी नॉट एक्सेप्टेड। प्लीज प्लीज ना मान जाओ ना। प्लीज लकी, प्लीज प्लीज। जीजा जी, पता है? क्या हो गया? इस बार कुछ नहीं हुआ, बस वही बताना था। कठित मारा क्यों? चल। बैड न्यूज नहीं थी फिर भी मारा। काफी बढ़िया इंतजाम किया है, पर समझ नहीं आ रहा है हम किसकी शादी पे आए हैं। मुझे लगा कि आपको याद होगा। शी, अपने बेटे की शादी है, आपके साथ रह के ना कहीं मैं भी ना भूला करूं। भूला बंद करो और जाके काम संभालो। अरे वहाँ कहाँ जा रहे? अंदर चलिए, समझी है आप। याद आया। मम्मी भैया अभी तक क्यों नहीं आए? पॉजिटिव सोचोगी तो तुम्हारा भाई जरूर आएगा। तुम लकी को याद करो, मम्मी उसकी याद में आंसू बहाए, और इतना सब होने के बाद लकी हाजिर ना हो ऐसा हुआ है? थैंक यू सो मच। निर्मला। अरे पापा आ गए, कट्टी मार दे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम। हमारी शादी होते ही हम हनीमून के लिए यूरोप जाएंगे। फिर भूल गए हमारे बेटे की शादी। याद आ गया, ये बुरखे में दुल्हन है क्या? आपको नहीं बुलाया, आपके बेटे को बुलाया। ओ, ऐसा है क्या? बुलाता हूँ। आप रुकिए अंकल, मैं बुलाती हूँ। ये आवाज सुनी सुनी सी लगती है। कब सुधरेंगे आप? आप यही रुकिए ना। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? सॉरी, मैं जाके जीजू से मिल के आता हूँ। तुम माँ के पास ठहरना, जाओ। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। जीजू। छोड़ दो ना। आजा, come on। उम्मीद नहीं थी ना कि मैं मिलूंगा। This is JK। एक गिफ्ट बॉक्स में बॉम्ब है और उसका रिमोट JK के हाथ में। बॉम्ब का फटना या ना फटना तुम्हारे हाथ में है राजा। अगर रिमोट दबाया तो टीवी पर बॉम्ब के फटने की ब्रेकिंग न्यूज आएगी। तो जल्दी सोचो राजा, बता दो पैसे कहाँ हैं? इतना झमेला काय को, पैसे दे देना। सिर्फ पैसे मिलने से ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा, शादी के रुकने से जख्म भरेंगे। जेके, मेरी बात सुनो प्लीज, इन्हें लेने कोई आता ही होगा। गुड एक्सप्रेशन। जेके, जीजा जी को कुछ मत करना, मैं माफी मांगता हूँ। जैसे ही शादी हो जाएगी मैं पैसे लौटा दूंगा। नाइस एक्सप्रेशन। जेके प्लीज ऐसा मत कर। जेके, मेरे पापा आते ही होंगे। तू यहाँ क्या कर रहा है? जीजा जी। भैया। नीलकंठ, ये सब क्या हो रहा है? चौंकिए मत वर्मा साहब, आपके बेटे ने जेके साहब के 25 करोड़ चाट लिए। 25 करोड़? तब से ये 2020 का मैच चल रहा है। आप थर्ड एम्पायर बन के फैसला कीजिए। पापा मेरी बात सुनिए, पापा सच ये है कि सर मेरा बेटा कब का मर चुका है। 25 सालों से मैं उसका श्राद्ध कर रहा हूं, ये बातें से समझ में नहीं आती। यहां मेरी बेटी का विवाह होने जा रहा है, प्लीज कोई विघ्न ना डाले। मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानता। अगर मेरा ऐसा नालायक बेटा होता तो कब का अपने हाथों से उसका गला घोट दिया होता। निकल जा घर से। सॉरी राजा, अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचा है। अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए तुम्हें बताना होगा पैसे कहाँ हैं।
चाहो तो मेरे कान में बता दो। बोलो राजा। पंचाकुटा के कब्रिस्तान में। राजा, बैग मिल गया, कुबेर का खजाना मिल गया, हमारा भाग खुल गया। पत्थर का जवाब ईंट से, इससे अपना सर फोड़े क्या? ए, हाँ भाई, लेके आओ उसको। अभी लाए। पैसे किधर है? किधर है मेरे पैसे? चल बता। जल्दी से मुंह खोल, तेरे से पूछ रहा हूं मैं। चल बोल। वो मेरे पैसे हैं। तेरे पैसे? ये क्या कंफ्यूजन है राजा? हमारे बॉस के साथ गेम खेल रहा है। 25 साल पहले तूने चार मीनार बैंक में घफला किया था। वहां मेरे नाम से 25 लाख का फिक्स डिपॉजिट था, उसका क्या हुआ? अब पूछ रहा है? चार मीनार के सभी डायरेक्टर्स को कब का मार चुका हूं मैं। उस केस के इंक्वायरी ऑफिसर को मौत के घाट उतार चुका हूं। उसकी खबर छापने वाले न्यूज रिपोर्टर को मार के ऊपर पहुंचा चुका हूं। अब तुझे भी उन सब के पास पहुंचा दूंगा। अब समझा, इस एंटरटेनमेंट फॉर्मूले के अंदर रिवेंज का फॉर्मूला भी है। ये तो गोल्ड माइन आइडिया है। मार डालो इसको। जन्म से लेकर आज तक मेरे पापा ने मेरा नाम नहीं लिया। कब्रिस्तान में कब्र खुद जाएगी, निकल ले। उस बैंक के साथ फ्रॉड किया तूने, उन लोगों को लूटा। जानता है एक साथ कितने परिवारों की खुशियां छीन ली तूने? ए, बहुत दर्द हो रहा है। 25 सालों से दर्द सह रहा हूं मैं। बर्बाद किया मुझे तूने। राजा, इस ब्लैक दिल वाले आदमी को ब्लैक मनी समझकर ऐसे धो दिया कि अब यह 1000 के नोट की तरह बेकार हो गया है। अब मारना बंद करो और बचा हुआ चिल्लर ले जाओ। क्या कर रहे हो सर? इससे मार खाकर दिल नहीं भरा? मेरा कमीशन ले लूं, तब तक यहीं खड़े रहो। हाँ, तेरा कमीशन और बाकी का सारा पैसा एसीपी के पास महफूज रखा है। लव यू। यानी डे वन से गेम खेल रहे हो राजा? यानी घोड़े पर पैसा नहीं लगाया था बाबू? ब्लफ मारा था बे, कुछ लगाया नहीं। और क्रिकेट मैच में सट्टा भी नहीं खेला? एक बेवकूफ को बेवकूफ बना। और सनी देवी की पारिवारिक फिल्म पर जो 20 करोड़ उड़ा दिए, वो उसके सिर्फ पोस्टर छपवाए थे। और उसके बाद तुम्हारा क्या प्लान था, ये भी बता दो राजा। योर चैप्टर इज क्लोज्ड। जेके, ना क्लू ना प्रूफ, अरेस्ट कैसे करोगे? हेलो, गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ। जब मैंने क्रिकेट बैट का ब्लफ मारा तो तूने सारे बुकीज को फोन किया था ना? एसीपी साहब ने तुम्हारे सारे कॉल्स टैप कर लिए थे। इसके अलावा तूने हवाला के अपने रिश्तेदारों को फोन किया था ना, वो भी टैप कर लिया है। फ्रस्ट्रेशन की हालत में तुमने फोन करते समय अपने सारे राज उगल दिए, जैसे कोई ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है। थैंक यू। जीजा जी, पता है अपना लकी है ना? ए मनुष, चांस है। अपना लकी है ना, वो टीवी पर आ रहा है। क्या टीवी पर? हाँ, ए जल्दी से टीवी ऑन कर, कोई भी न्यूज चैनल लगा। देखिए देखिए जीजा जी,
आज के इस क्राइसिस में जहां लोग अपने पुराने नोट चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मिस्टर लकी ने 25 करोड़ के न्यू नोट एसीबी के पास जमा करवाए। वंडरफुल सर, आपको ये इंस्पिरेशन कहां से मिली? अपने पापा से। ये सच्चाई उन्हीं से विरासत में मिली है। आपके पापा का नाम क्या है? भगत वर्मा। भगत वर्मा, आपका बेटा बहुत महान है। ऐसा बेटा तो लकी पिताओं को ही मिलता है। क्या संस्कार दिए हैं आपने इसे? 25 करोड़ लौटा दिए। आपने जरूर पुण्य किए होंगे जो आपको ऐसी नेक औलाद मिली। एक बात कहूं, इस लड़के को मैंने कहीं देखा है। हाँ, याद आया, एक दिन हमारे घर बहुत सारे नोट लाया था। क्या वो आपका बेटा है? वो 25 लाख मैंने कहाँ रखे थे? लॉकर में रखकर भूल गया था। संदी जी, आप लोग बड़े लकी हैं। हाँ, सही कहा। जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है तब से मैं उसे लकी लकी कहती रही, लेकिन वो अनलकी है। बैंक में फ्रॉड हुआ तो आपने कह दिया कि मेरा बेटा अनलकी है, इसलिए हुआ। बचपन से ही आपने उसे अनलकी 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 कहा है। उसे ऐसी नजर लगी कि वो सचमुच अनलकी हो गया। उसकी उसकी बदनसीबी है कि वो इस घर में पैदा हुआ। मैं अपने बेटे से बात करूंगी। एक्सक्यूज मी, फोन, एक मिनट। हेलो। हाँ माँ, टीवी देख रही हो ना? स्मार्ट लग रहा हूँ ना टीवी पर। हेलो लकी, लकी, लकी। पापा। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो। आज तक मैं तुझे समझ नहीं पाया। तेरा पिता कहलाने लायक नहीं हूं मैं। क्या अपने पापा से बात नहीं करेगा? मेरे पास शब्द नहीं है पापा। बचपन से आज तक आपके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए तड़प रहा था। आज आपने मुझे नाम से पुकारा तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। क्या? मैं इतने सालों में कभी मंदिर नहीं गया। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी पूजा की है। क्या कह रहे हो बेटा? आई लव यू पापा। ये प्रेस मीटिंग एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए रखी गई है। जेके नाम का इंटरनेशनल क्रिमिनल रंगे हाथों पकड़ा गया है। बैंक रॉबरी के केस में 24 करोड़ बरामद कर लिए गए हैं, जिसे हम आरबीआई को वापस सौंपेंगे। ये 24 करोड़ क्यों बोल रहा है? मैं इसे ईमानदार ऑफिसर समझ रहा था और इसने 1 करोड़ गायब कर दिए। मुझसे गलती हो गई। ये सब की सब तुम्हारी मिस्टेक है। माय मिस्टेक? बी पॉजिटिव कह के मेरे दिमाग का भजिया बना दिया। गोल्डन चांस भी मिस हो गया। छे। सुनो, डिलीवरी देने जा रहा हूँ, शाम को घर पे मिलूंगा। हेलो। क्यों लगी, थोड़ी देर पहले मुझे गालियां दे रहे थे। वो जो 10 लाख का प्राइज मनी था बहुत छोटा था, उसे बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। तुम बहुत रेयर यूनिक प्रोडक्ट हो, सोसाइटी को ऐसे लोगों की जरूरत है। एक नए जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। पॉजिटिव पॉजिटिव। हम एक काम करते हैं, इसे आरबीआई को लौटा देते हैं। तो